हेलो एवरीवन, वेलकम टू मर्लिन मास्टर्ड मील्स। सब लोग का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाते हैं डोसा, नीर डोसा। तो इसके लिए मैंने लिया था एक डेढ़ ग्लास ये चावल। तो इसको अभी भिगा के, धो के भिगा के रात को रखते हैं, और फिर सुबह को जब ये भीग जाता है, ये देखो ये मैंने रात को रखा था, अभी ये भीग गया है। इसको पीसेंगे अभी एकदम फाइन पेस्ट, और इसमें मिक्स करेंगे ये नारियल का दूध जो है, ये आधा नारियल का दूध है जो मैंने निकाल के रखा है। तो ये चावल पीसने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे पानी की तौर पे, और इसका ये देखेंगे कितना पतला होना चाहिए। चलो तो फिर बनाते हैं अपना नीर डोसा मसाला, नीर मसाला डोसा। ये देखो इससे पतला होना चाहिए अपना आटा बैटर, इतना ऐसा पतला होना चाहिए। मैंने इसको पीस के वो नारियल का दूध डाल के इसको मिक्स किया है, और नमक डाला है स्वाद अनुसार। तो इतना पतला होना चाहिए, और ये जो फ्राइंग पैन ये है तवा है ना, इसमें थोड़ा तेल डालना चाहिए, और ये कांदा फॉक को लगा के ऐसे स्प्रेड करना चाहिए। मेरे पास वो ब्रश वगैरह नहीं है तो मैं ऐसे करती हूँ, ये अपना पुराना स्टाइल है। तो ऐसे ये तेल को फैलाना चाहिए थोड़ा। इसके बाद हम ये बैटर डालेंगे। तवा एकदम गर्म होना चाहिए जब आप ये आटा डालेंगे ना, तब। अभी उसको होने देना है अपने को। अब इसको टर्न करते हैं। इस तरह से कुछ लोग एक ही साइड में पकाते हैं, लेकिन मैं दोनों साइड से पकाती हूँ। ये तो अपना डेमो डोसा है, तो मैं और एक बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखो अभी आपको सिर्फ ये कांदा लगाना है, और एकदम कम एक ड्रॉप तेल डालना है, बस दो ड्रॉप्स। वापस से ये बैटर डालना है। ये जो डोसा है ना, ये आप चाय के साथ भी ऐसे खा सकते हैं, मतलब विदाउट आलू का सब्जी, ऐसे ही चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो ये 2-in-1 है डोसा। जब ये साइड ऐसा छोड़ देता है ना, तो ये रेडी हो गया है टर्न करने के लिए। देखो, और इसको कभी भी हाई गैस पे ही रहना चाहिए, स्लो गैस पे नहीं पकाने का। इसको स्लो गैस पे पकाएगा तो एकदम ये हो जाएगा, नरम और
निकलेगा नहीं पैन में से। तो इस तरह से सारे बनाने का। और एक दिखाती हूँ आपको, एक दो ड्रॉप डालने का बस, इसमें ज़्यादा तेल नहीं जाता है, बहुत कम तेल में बनता है तो हेल्दी भी है खाने के लिए। हर बार आपको घुमाना पड़ेगा, जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, आटा है ना, ऐसे घुमा के डालना पड़ेगा, क्योंकि वो चावल का आटा है पीसा हुआ तो वो बैठ जाता है बराबर से। ये देखो ये भी हो गया है, अभी इसको हम टर्न करेंगे। अब ये देखो हम डोसा बनाएंगे, बहुत कोथमीर इसमें जाता है। आजकल की कोथमीर जो है जल्दी बुड्ढा हो जाता है, जल्दी पक जाता है। ये देखो ये अपना हो गया डोसा, अब ये भी हो गया है तो निकालो इसको, इसको भी ऐसे आलू डालो और ऐसे रोल करो। हो गया अपना डोसा तैयार। को अपना नीर मसाला डोसा तैयार है खाने के लिए। ये है सांभर, बहुत मस्त सांभर बन गया है। और ये है अपना चटनी, सफ़ेद चटनी, बहुत टेस्टी है। और ये है अपना डोसा, नीर डोसा। और ये है सादा, जो चाय के साथ खा सकते हैं आप, बहुत मस्त बन गया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन भी दबाइए, वो फ्री है आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय।